बहुचर्चित आदिवासी नेता भागीरथी मांडी हत्या घटना को नहीं रायगड़ आयोजित होती आदिवासी मेली। रायगड़ा ब्लॉक आलुआ ग्राम से शताधिक आदिवासी न्याय दाबी करी एकजुट होती। भागीरथी मांडी हत्या घटना को इतिमध्ये 10 वर्ष बीती जाते सुधा क्राइमब्रांच कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करना आदिवासी नेता माने अभियोग करि आछन्ते। क्राइमब्रांच शासक दल हाथ बारिशी साजी अभियुक्त मानू गिरफ करूना आदिवासी मेले अभियोग कर मुख्य उद्देश्य है भागीरथी मांडी जो केसटा दीर्घ 10 वर्ष है राज्य क्राइमब्रांच आज पर्यंत पर्दाफाश कर पार्नि जोटा कि आदिवासी ग्रहण पर आज दुखर विषय अच्छी गोटे केस आदिवासी केस बोली राज्य सरकार एत डिले करुच्छी जो कि आम आज संघ तरफ आम दुख प्रकाश करुच्छू आपत्त जनावु यह जदि राज्य सरकार एम प्रकार अणदेखा कर निश्चित रूप आगामी दिन पंचायत स्तर आगामी दिन जोरदार आंदोलन करने निष्पत्ति नौ आज गोटे आलोचना शिविर आज बैठक नहीं चु प्रत्येक पंचायत आम डाकि प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि आसमें आलोचना करूँ कलापर आज एक मेमोरम पुनर्वार आम राज्य गवर्नर को एवं राष्ट्रपति को उद्देश्य आम गोटे मेमोरम एसपी मध्यम जो पठेबू आम आम चाहूँ आमर केस कहीं अणदेखा कर आम केस इनवल्व थी हत्याकारी कहीं गिरफ्त करनी क्राइमब्रांच ओडिशा ये दिगे आम आम दुखित ये आम डिमांड करुचु ये जो हत्याकारी जे भी होना कहीं खोज बाहर करा जाओ एवं आदिवासी मान गत 2010 मसीहा डिसेम्बर मस 15 तारीख दिन आदिवासी नेता भागीरथी मांडांगी को अपहरण कर किद आंध्रप्रदेश कमरडा ड्यम्रुक मृतदेह उद्धार कर जिले में अशांतकर परेश सृष्टि राज्य सरकार घटना को क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देते किंतु हत्या घटना को 10 वर्ष बीती जाते सुधा क्राइमब्रांचर हाथ खाली हो रही तेरे राज्य सरकार घटना को सीबीआई तदंत निर्देश दे मुख्य आसामी को गिरफ्त नक आगामी दिन में आंदोलन को जोरदार करदिवासी नेता बसंत उलाका कहते एने आज रायगड़ा एसपी जरिया राज्यपाल को एक दावीपत्र प्रदान कर रायगड़ारू दीपक कृष्टिंग रिपोर्ट न्यूज फॉर ओडिशा।